नमस्कार, मैं विकास, आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, झारखंड SSC ने जो है एक वैकेंसी रिलीज कर दिया है इंटर लेवल का। उसके लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। बिहार के जितने सारे लड़के हैं वे भी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल के लिए, मतलब जो ओवरऑल जो बाहर के लड़के हैं वो कितने सीट पर फाइट करेंगे पहले आपको ये बता देते हैं। तो बाहर के जो लड़के हैं, हम सब यहाँ पे काउंट करके लिखे हुए हैं, 185 सीट है, जो कि जो आउट ऑफ स्टेट यानी कि झारखंड से जो बाहर के लड़के हैं वो 185 सीट पे ये पूरे वैकेंसी में फाइट कर सकते हैं। टोटल जो है 863 पोस्ट है और वहाँ के लड़कों के लिए बाकी सब है, जो सबका कैटेगराइज किया हुआ है अलग अलग, लेकिन जो अदर स्टेट के लड़के हैं वो 185 सीट पे फाइट कर सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि लेवल चार का भी पोस्ट है। लेवल चार का पोस्ट होता है जो 2400 पे ग्रेड का होता है, यानी कि इंटर लेवल के वैकेंसी में ये सबसे बड़ा पे ग्रेड का पोस्ट होता है। ठीक है, ये मेनली जो है बेसिकली टाइपिंग और एस्ट्रोनोग्राफी रिलेटेड पोस्ट है। टाइपिंग भी है और जो एस्ट्रोनोग्राफर का पोस्ट है उसमें एस्ट्रोनोग्राफर भी है और टाइपिंग भी है। और टाइपिंग में इसमें यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं खोज रहा है। टाइपिंग सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, एक्यूरेसी जो है 98% होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका हम पूरा एक एक चीज पे जो है बात करते हैं। वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अप्लाई जो है 20 तारीख से होना है, 20 अक्टूबर से, और लास्ट 19 नवंबर तक अप्लाई होना है। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका जो हिंदी का जो टाइपिंग होगा ना वो कुर्ती देव पे होगा। किस पे होगा? कुर्ती देव जो फॉन्ट आता है उस पे होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम फी यहाँ पे 100 रुपये है, बाहर वाले को भी 100 रुपये देना है, वहाँ के जो झारखंड वाले भी हैं वो लोग भी 100 रुपये देंगे, लेकिन जो वहाँ के SC ST और SC ST के जो लोग हैं, और उसके बाद में SC ST हो गए और फिर PH वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए 50 रुपये फॉर्म भी है, बाकी सभी के लिए जो है 100 रुपये। ठीक है, परीक्षा आपका 3 चरण में होना है। कितना चरण में होना है परीक्षा? 3 चरण में होना है। सबसे पहले बढ़िया से इस चीज़ को देख लीजिए, सिलेबस को, क्योंकि यही मेन है। ठीक, परीक्षा आपको 3 चरण में होना है। सबसे पहला जो चरण होगा वो आपको एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम होगा यानी कि मुख्य परीक्षा भी उसको कह लीजिए, एक ही दिन में तीनों एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम हो जाएगा, फिर उसके बाद में स्केल टेस्ट होगा दूसरा चरण में, और तीसरा चरण में आपको पता है कि जब ये दोनों से पास कर जाइएगा तो आपका डेबी होता है। पहला जो चरण होता है एग्जाम, आपको 3 गुना रिजल्ट देगा स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। देखिए एग्जाम का जो पैटर्न है, परीक्षा आपको 3 पेपर होगा, परीक्षा आपको जो है एक ही दिन में तीनों पेपर हो जाएगा, तीनों पेपर 2-2 घंटा का होगा। पहला पेपर जो होता है क्वालिफाई मार्क्स लाना होता है, पहला पेपर जिसमें आपको 60 नंबर का हिंदी पूछेगा और 60 नंबर का इंग्लिश। और इसमें एक चीज और समझ लीजिए, एक क्वेश्चन जो होता है आपको 3 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का होता है, और निगेटिव भी है, 1/3 है। यानी कि अगर 120 क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है पहला पेपर में, तो 360 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें 30% आपको नंबर लाना होता है। 30% नंबर ला दीजिएगा, पास कर जाइएगा। ठीक है, आ गया इसमें दूसरा जो पेपर है, रीजनल लैंग्वेज है। हिंदी और इंग्लिश में तो आपको पता है, जो जनरल जो हिंदी इंग्लिश होता है जो पूछा जाता है हर एग्जाम में, वैसा ही यहाँ पे ये वाला पहला जो पेपर है उसमें पूछा जाएगा, उसमें अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि रीजनल जो लैंग्वेज है उसमें आपको एक पेपर लेना होता है, हिंदी लीजिए, इंग्लिश लीजिए, उर्दू लीजिए, या खोर्था लीजिए, नागपुरी लीजिए, वहाँ का लोकल जो लैंग्वेज है वो सब है। तो आप जो बाहर के लड़के हैं वो हिंदी ले सकते हैं, या खोर्था जो ले सकते हैं खोर्था भी ले सकते हैं। भाषा में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत का शब्द का अंतर होता है, आप देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। वैसे अगर हमको बोलिएगा कि हम क्या रखें, अगर हमको अगर भरना पड़े तो हम हिंदी रखेंगे, क्योंकि हिंदी पे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए हिंदी रखेंगे। और दूसरा अगला जो पेपर होगा वो आपको जो है GK GS का होगा। देखिए ये पेपर जो पहला पेपर होगा ना, वो पेपर से आपको केवल क्वालिफाई करना है, और मेरिट जो बनेगा ये दोनों पेपर से बनना है, पेपर 2 से बनना है और पेपर 3 से बनना है। तो पेपर 2 जो होगा, जो पेपर आपका 2 होगा, वो जो क्षेत्रीय लैंग्वेज हिंदी
आप ले सकते हैं, बात कर लिए उसके बारे में। आगे जो पेपर थ्री जो होगा उसमें देखिए 30 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से पूछेगा, जो ओवरऑल जो पूछा जाता है हर एग्जाम में उस टाइप का, ठीक है। और आपको झारखंड स्पेशल जो है 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंड स्पेशल 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर और टाइपिंग से रिलेटेड जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें ना आपको ना इसमें आपको अलग से मैथ पूछा जाएगा, ना रीजनिंग पूछा जाएगा, ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ आपको 30 क्वेश्चन जीके जीएस से है और झारखंड स्पेशल 40 क्वेश्चन है। उसके बाद में कंप्यूटर और टाइपिंग का जो है उससे आपको जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस पे और इस पे दोनों मिला के आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, पिछला इसका एग्जाम जो हुआ था 2019 में हुआ था और इसका जो कट ऑफ है बहुत कम जाता है, ये नहीं कि इसका कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, कट ऑफ जो है लो ही रहता है, ठीक। और इसमें देख लीजिए सीट जो है फीमेल के लिए इसमें अलग से दिया हुआ है 10 सीट, स्पोर्ट्स कोटा में 4 सीट है जो स्पोर्ट से रिलेटेड है। और जो पीएच वाले कैंडिडेट हैं, जैसे मतलब कोई जो है विजुअल होता है, कोई हैंडीकैप, अलग अलग तरीके से होते हैं, उन सभी को मिला करके 7 सीट है इसमें, ठीक है। इसमें आपको और क्या है, 11 तरह के इसमें जो पोस्ट है उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो इतना सारा है, और आपको अगर और भी कोई अगर जानकारी चाहिए होगा तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। वैसे हम आपको बता रहे हैं इसमें लेवल 4 का जो पोस्ट है बहुत ही शानदार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग में आपको जो है इसका पोस्ट है, जिसमें आपको जो है खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन खान निर्देशालय निम्न वर्गीय लिपिक है। सब क्लर्कियल पोस्ट है और अच्छा पोस्ट है। इसमें जो है आप जो भी किए हुए हैं, जिन जिनको टाइपिंग आता है, जिनको कंप्यूटर से रिलेटेड ज्ञान है, वे लोग इस फॉर्म को भरे और अच्छा पोस्ट। जो भी आप लोग को और भी अगर कुछ इसमें जानकारी चाहिए होगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।